हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की हमारी वीडियो है डेली मेकअप रूटीन पे। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपना डेली बेसिस का मेकअप कौन कौन से प्रोडक्ट्स के साथ करती हूँ और कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छे तरीके से क्लीन अप कर लें। या अगर पहले से आपने कुछ मेकअप कर रखा है, लिपस्टिक लगाई हुई है, तो उसको आप वाइप कर सकते हैं। तो फेस को अच्छे तरीके से क्लीन अप करने के बाद मैं अप्लाई करती हूँ सीसी क्रीम। डेली मेकअप के लिए मैं सीसी क्रीम ही अप्लाई करती हूँ, कोई हैवी बेस अप्लाई नहीं करती। जैसे कि आप देखिए, इतनी सी क्वांटिटी में आपने इसको यूज करना है। अगर आप डेली रूटीन के लिए मेकअप कर रहे हैं तो कोई हैवी बेसिस यूज ना करें, क्योंकि वो डैमेज ही नहीं लगती। तो बेहतर है कि आप सीसी या फिर बीबी क्रीम, इस तरह की चीजें अप्लाई करें जो कि डे में बुरी ना लगे। ये देखिए, सीसी ने मेरे काफी हद तक मेरे जो स्पॉट्स हैं, एक्निक जो मार्क हैं, उनको काफी हद तक हाइड किया है। अगर तो आप डे में मेकअप कर रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि हैवी मेकअप और हैवी प्रोडक्ट्स अप्लाई ना करें, क्योंकि स्पेशली समर में, क्योंकि वो आपके मेकअप को केकी करती हैं। और स्पेशली हैवी फाउंडेशंस डे में यूज ना करें, क्योंकि वो आपके फेस को बहुत हैवी कर देती हैं और अच्छा भी नहीं लगता। जी गाइस, तो मैंने सीसी क्रीम कर ली है अप्लाई, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मैं डेली बेसिस पे सिर्फ सीसी क्रीम ही अप्लाई करती हूँ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके एक्नी मार्क बिल्कुल अच्छे से हाइड नहीं हुए, तो आपको इसके साथ कोई बीबी या कंसीलर, जैसे कि मैंने कोई कंसीलर अप्लाई नहीं किया है कि ताकि फेस हैवी ना लगे और बुरा ना लगे, तो इसके साथ आप हल्की सी कोई भी और बीबी क्रीम यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास मेबेलिन की बेबी क्रीम है, तो मैं थोड़ी थोड़ी सी ये अप्लाई करने लगी हूँ। जहाँ जहाँ पे मुझे लगेगा कि सीसी ने कवर नहीं किया, तो वहां वहां मैं बीबी अप्लाई कर रही हूँ। आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं। ये देखिए, इस साइड पे भी थोड़ा सा डल है, लेकिन यहाँ पर मैंने बीबी अप्लाई किया है सीसी के ऊपर, तो वो थोड़ा अच्छा कवरेज दे रही है। बेस हो गई है डन। अब हम इसको सेट करने के लिए थोड़ा सा पाउडर अप्लाई करेंगे। कि हमने जो भी सीसी और बीबी लगाई है वो सेट हो जाए। तो हमारी बेस बिल्कुल हो गई है सेट विद पाउडर।
मैंने सबसे पहले सीसी क्रीम अप्लाई की और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बीबी क्रीम अप्लाई की है एंड देन मैंने उससे पाउडर से हल्का हल्का सेट कर लिया। इसे तो आफ्टर बीबी और सीसी जो भी मैं अप्लाई करके अपने फेस को सेट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ काजल अपनी आईज पर। एज यू कैन सी मैंने एक आई पे काजल अप्लाई कर लिया है, सेम एज इट इज दूसरी आई पर। सिर्फ सिंपल आपने एक लाइन लगा देनी है। काजल अप्लाई करने के बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको एज इट इज रखना चाहते हैं या फिर थोड़ा ब्लेंड करना चाहते हैं, तो मैं इसको ब्लेंड ही करती हूँ रोज क्योंकि मुझे ब्लेंड किया हुआ अच्छा लगता है, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस कितना प्यारा लुक आ रहा है। ये देखें, ये वाली आई देखें और ये वाली देखें, कितना प्यारा लग रहा है ब्लेंड होके। दोनों आईज पर काजल हो चुका है ब्लेंड, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि आपने काजल लगाया है या लाइनर लगाया है, क्या किया आपने आईज पे। इस तरह का नेचुरल लुक बनाना है आपने कि बिल्कुल पता ना चले कि आपने एग्जैक्टली क्या अप्लाई किया हुआ है, लाइनर या काजल। तो आप काजल को थोड़ा थोड़ा लगा के आप उसको, तो अब अप्लाई करते हैं मस्कारा। देखिए आप बिल्कुल सिंपल एवरीडे लुक कर रहे हैं, तो आपने कोई हैवी आई मेकअप नहीं करना, कोई शेड्स नहीं लगाने, कोई शिमर नहीं लगाना इस पे, क्योंकि ये एवरीडे का लुक है ना, कि आपने कहीं पर भी कॉलेज जाने के लिए या ऑफिस जाने के लिए आपने ये लुक क्रिएट करना, तो आपने कोई हैवी आई मेकअप नहीं करना। गाइस द सेम हमने एज इट इज दूसरी आई पे भी मस्कारा अप्लाई कर लिया है, एज यू कैन सी। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे ब्लश, बिल्कुल लाइट ब्लश है। आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट लाइट सा ब्लश अप्लाई किया है। अब हम लगाएंगे लिपस्टिक, जो कि लिपस्टिक मैं लगाती नहीं हूँ, मैं हमेशा पेंसिल्स यूज करती हूँ और रिवाज की पेंसिल्स यूज करती हूँ। लिप्स को आप हमेशा नेचुरल रखें, बिल्कुल बाकी मेकअप की तरह। तो हमारा एवरीडे का लुक हो गया है रेडी। ओके एवरीवन, तो आज इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा डेली मेकअप लुक पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब शेयर और फॉलो माई चैनल। थैंक यू।